हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन मिनट टिप्स। तो आज मैं आप सबके साथ अपना मिनीसो का हॉल शेयर करने वाली हूँ। मिनीसो बेसिकली एक जापनीज़ ब्रांड है जहाँ पर आपका हाउस से रिलेटेड होम डेकोर और स्टेशनरी एंड फैशन एक्सेसरीज, सब सॉफ्ट टॉयज किड्स के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, तो हर तरीके की चीज़ें आपको सिंगल स्टोर पे मिल जाती हैं। ये जापनीज़ ब्रांड है तो इसके पास आप समझ सकते हो कि बहुत तरीके वैरायटीज़ मिल जाएंगी सॉफ्ट टॉयज़ की भी। इनफैक्ट कुशन कवर्स दे हैव, ट्रेज दे हैव, बहुत सारी चीज़ें हैं, होम यूटिलिटी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैंने जो शॉपिंग करी है मिनीसो से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने, मेरे को जो जो रिक्वायरमेंट था तो मैंने वही ख़रीदा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा मिनीसो से। तो फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरा ये कॉम्पैक्ट सा मिरर, आप देख सकते हैं। तो ये मिरर की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी तो इसीलिए मैंने ये मिरर ख़रीदा। ये इसका स्टोरेज के साथ आता है, इस तरीके से पूरा खुल जाता है। मैंने इसको सेट कर लिया था क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो मैंने इसको बॉक्स को भी ओपन कर लिया था। इस तरीके से इसका स्टोरेज है, मैंने इसमें कॉइन्स वगैरह रखे हुए हैं, राइट। इस तरीके से इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, देखिए स्टोरेज यहाँ पर भी है, सब जगह है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, यहाँ पर आप अपना वॉचेस वगैरह टांग सकते हैं अगर आप टांगना चाहते हैं, या इयररिंग्स, अगर ये बैंगल्स कुछ भी अगर आप टांगना सकते हैं, तो वो भी ट्री शेप दिया हुआ है एसेसरी टांगने के लिए। तो सेकंड चीज़ जो मैंने मिनीसो से परचेज़ करी है वो है ये नेक पिलो। मुझे पता है इसके अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट क्या होता है कि जब ट्रैवलिंग करते हैं तो फ़्लाइट में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आप ऐसे रख कर इस पर सो सकते हैं। और अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम है जैसे मेरे को है, तो आप गर्दन में भी पेन नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा नेक में, और इजीली आप किसी और के ऊपर नहीं गिरेंगे और आराम से रिलैक्स होकर फ़्लाइट में नैप ले सकते हैं। तो अब जो मैंने थर्ड प्रोडक्ट ख़रीदा है वो है ये ईयरबड्स का बॉक्स। मैंने इसको अभी तक खोला भी नहीं है, आपके सामने खोलती हूँ। नहीं खुल रहा मेरे से अभी। तो ये ईयरबड्स का बॉक्स मैंने लिया है, इसमें आई थिंक कितने पीसेस, 200 रुपीज़ का है ये बॉक्स। ईयर क्लीन करने के लिए, इवन जो आपका मेकअप रिमूव करना होता है उसके लिए, या जब आप नेल पॉलिश लगाते हो तो थिनर लगा के अगर एक्स्ट्रा एजेस पे आपके नेल पेंट लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए ईयरबड्स बहुत यूज़फुल होता है। और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो मैं इसीलिए ये लेकर आई हूँ। नाउ दिस वन द हेयर रोलर। हेयर रोलर, मैं अपने बालों में हीट लगाना पसंद नहीं करती हूँ, और तो मुझे कर्ल करना पसंद है बाल, कभी कभी चेंज के लिए मैं कर भी लेती हूँ, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि विदाउट एनी कर्लिंग आयरन यूज़ करें मैं अपने बाल कर्ल करूँ। तो देखिए इस तरीके से आप अपने बालों को यूँ फंसा के, राइट, यूँ आप लगाइए और इससे ऐसे स्टक कर दीजिए, तो ये आपके बालों में अटक जाएगा। अभी मैंने थोड़े से बालों को ही लगा के आपको दिखाया है इसलिए, और ये इजीली कर्ल होके आपके बाल निकल जाएंगे विदाउट हार्मिंग योर हेयर्स, विदाउट हीटिंग, कुछ भी बिना हीट प्रोडक्ट के यूज़ करें आप अपने बालों को कर्ल कर सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द कॉटन पैड्स फॉर रिमूविंग द मेकअप। एक्चुअली मैं ये कॉटन जो पैड्स है वो यूज़ करती हूँ फॉर अप्लाइंग द टोनर ऑन माई फेस, या फिर जैसे कभी आपको लगता है कि आपकी स्किन में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, या आईज़ के नीचे क्लीननेस करने के लिए कभी कभी होता है कि आपका आँखों का काजल जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो मैं ये कॉटन स्वैप में टोनर लगा के पूरा क्लीन कर लेती हूँ, या बेबी ऑयल अप्लाई करके मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। मैं कोई मेकअप रिमूवर यूज़ नहीं करती, मैं इधर या तो कॉटन में कोकोनट ऑयल लगा के फिर मेकअप रिमूव करती हूँ, या फिर अगर मेरे पास बेबी ऑयल होता है तो बेबी ऑयल उसको अप्लाई करके तब मैं अपना फेस का ये लिपस्टिक और आईज़ में काजल वगैरह सब जो है वो रिमूव करती हूँ। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द आई मास्क। आई मास्क बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग करते हुए। क्या है कि जब भी लाइट अगर आपके आंखों पर लग रही है तो आप इस तरीके से आई मास्क को लगा सकते हैं, राइट।
ये आपकी आईज को, आज मैं सब उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो ये मैंने आई मास्क ख़रीदा था मीनीसो से, ये भी आई थिंक 200 की ही रेंज का है। हाँ, ये 190 का है। तो मीनीसो का बेस्ट थिंग क्या होती है ना, कि बहुत ज़्यादा महंगे या बहुत बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं प्रोडक्ट्स हैं कि आप कुछ ख़रीदने से पहले सोचना पड़ जाए। अच्छे प्रोडक्ट्स कम रेंज में मिलते हैं ना, तो अच्छा लगता है ख़रीदने में। मैंने ये एक परफ्यूम ख़रीदा है, पॉकेट फ्रेंडली, छोटा सा है, ट्रैवल फ्रेंडली है, पॉकेट में मतलब आ जाता है, इसलिए मैंने छोटा परफ्यूम ही यूज़ लिया है अभी। तो स्नो ऑफ विजडम, इस परफ्यूम का नेम है स्नो ऑफ विजडम, और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है। बहुत ही अच्छी स्मेल है इसकी, तो मैंने इसीलिए ये ख़रीदा है कि ट्रैवलिंग करते हुए मुझे बड़ी सी बॉटल ना यूज़ करनी पड़े, और मैं डीओ यूज़ नहीं करती हूँ, तो परफ्यूम मेरे लिए परफेक्ट है। फिर मैंने जो नेक्स्ट ख़रीदा है ये है पाउडर पफ्स। पाउडर पफ का पाउच था, बहुत सारे थे उनके पास, टेप 4 का पैक 6 का पैक्स बहुत सारे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा लेने नहीं थे। ये मैंने 2 का पैक लिया है, ये मैंने 2 पाउडर पफ लिए हैं, मतलब ये सिंगल पैक में 2 थे, तो ये दोनों लिए। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है पाउडर पफ। 2 इसीलिए लिए हैं कि अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा मेरे पास रहेगा, इसीलिए मैंने 2 खरीदे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, अब मैं यूज़ करके देखूँगी कैसा अप्लाई हो रहा है इसमें। मैंने अभी अप्लाई करके नहीं देखा, कुछ भी मैंने खोला नहीं था, सिर्फ एक मिरर मैंने खोल दिया था क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदा है अभी, मैंने जनरली, अभी आप लोग सोचेंगे कि ट्रैवलिंग तो कोई कर नहीं रहा है, तो फिर मैंने सारे प्रोडक्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्यों ख़रीदे हैं। तो क्या होता है कि कभी भी ट्रैवलिंग का मूड बन सकता है, तो मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट ख़रीदा है वो ख़रीदा है ये कॉम्पैक्ट मिरर, छोटा सा 3 फोल्ड मिरर है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। सारे प्रोडक्ट जो है मिरर को छोड़कर अभी तक सब 200 की रेंज के ही हैं। तो ये देखिए, ये रहा मिरर, क्यूट सा मिरर, एज यू कैन सी। बहुत ही प्यारा क्यूट सा मिरर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ट्रैवल फ्रेंडली है, कॉम्पैक्ट सा है, 3 फोल्ड हो जाता है ना, अच्छा सा। तो नाउ कम टू द लास्ट 2 प्रोडक्ट्स, विच आर एक ये बैग और एक ये वाला बैग। तो दीज आर द साइड बैग्स, यू कैन कैरी एज अ साइड बैग, और यू कैन टक इन अ बेल्ट ऑल्सो, मतलब आप कमर पे भी इसको बांध सकते हैं क्योंकि इसमें ये लॉक सिस्टम है, राइट। तो ये आप अपने कमर पर भी बांध सकते हैं एज अ बेल्ट, क्योंकि पॉकेट आपका फ्रंट में रहेगा। इसका सिलिकॉन मटेरियल जैसा इसका फीलिंग है, सिलिकॉन जैसा है इसका, ये अंदर का, ये अब बाहर का मटेरियल, और जो अंदर है, अंदर इसमें कपड़ा लगा हुआ है, लाइनिंग लगा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने 2 लिए हैं, दोनों अलग डिज़ाइन के, एक ये लिया हुआ है और एक ये क्यूट सा येलो कलर, ब्राइट कलर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस येलो वाले में अंदर पॉकेट नहीं है, सिंगल पॉकेट है, बट ब्लू वाले में एक स्मॉल पॉकेट अंदर दिया हुआ है, एज यू कैन सी। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यूट से हैं, कलर भी बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो ये दोनों लिए हैं, इनका प्राइस आई थिंक 400 समथिंग है। हाँ, ये 460 के प्राइस का है दोनों। सो यू कैन कैरी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे साइड में करके, या फिर आप इसको अपनी कमर पर भी बांध सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बांधा है अभी, मैंने इस तरीके से अपनी कमर पे बांध लिया है। सो आप देख सकते हैं कि आप इस तरीके से भी इसे क्रॉस कर कर बांध सकते हैं, और ऐसे भी साइड में बांध सकते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों शेप्स लिए हैं। दोनों कलर बहुत ही प्यारे भी लग रहे हैं, राइट।
तो यही दोनों जो थे लास्ट प्रोडक्ट थे मेरे। सो दैट्स इट फॉर दिस मिनीसो हॉल। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज़ 1 मिनट टिप्स। तो सब्सक्रिप्शन बटन के पास ही बेल आइकन है, उस बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।